22 साल के युवा भारतीय शटलर लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचने से चूक गए। मेंस बैडमिंटन के ब्रॉन्ज मेडल मैच में लक्ष्य सेन को मलेशिया के ली जी जिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। ब्रॉन्ज मेडल के इस मैच में लक्ष्य सेन ने दमदार शुरुआत की थी और पहले गेम में उन्होंने मलेशियाई शटलर को 13-21 के अंतर से हराने में सफल रहे थे, लेकिन दूसरे गेम में मलेशिया के खिलाड़ी ने दमदार वापसी की और 16-21 के अंतर से मैच को जीतकर 1-1 की बराबरी पर ला दी। इस तरह मैच का नतीजा तीसरे गेम में निकला। तीसरे गेम में मलेशियाई शटलर पूरी तरह से लक्ष्य सेन पर हावी दिखाई दिए। लक्ष्य सेन ने हालांकि वापसी की कोशिश जरूर की थी, लेकिन बीच में उनके कोहनी पैरल की चोट लगी थी, जिसके कारण लक्ष्य सेन का खेल धीमा पड़ गया। इस तरह चौथे गेम में वह हार कर मेडल भी चूक गए। बता दें कि अगर लक्ष्य सेन यह मुकाबला जीत जाते तो ओलंपिक में पदक जीतने वाले वह भारत के पहले मेंस सेटलर बन जाते। आज तक ओलंपिक में कोई भी भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी मेडल नहीं जीत पाया है। लक्ष्य सेन की हार के साथ ही बैडमिंटन में अब भारतीय चुनौती भी समाप्त हो गई। बात करें मैच का, तो पहला गेम बिल्कुल ही एक तरफा अंदाज में लक्ष्य सेन ने 21 अंक लेकर जीत हासिल की थी, वहीं मलेशियाई शटलर ने सिर्फ 13 अंक जुटाए थे। हालत ऐसी थी कि पहले गेम में मलेशिया के शटलर को एक भी बार लीड नहीं मिला, हालांकि दूसरे गेम में मलेशियाई शटलर लीड लेने में सफल रहे थे। मलेशियाई शटलर को जैसे ही यह लीड मिली, उन्होंने इसे बरकरार रखा, आखिर तक 21 अंक जुटाकर गेम को अपने नाम कर लिया था। दूसरे गेम की समाप्ति के बाद जब बराबरी पर मुकाबला पहुंचा, तो तीसरे गेम में लक्ष्य सेन थोड़े थके हुए भी नजर आए, लेकिन तीसरे गेम में मलेशिया के खिलाड़ी काफी जोश में थे और उन्होंने एक भी मौका नहीं गंवाया। इस तरह से आसानी से उन्होंने तीसरे गेम को जीतकर 2-1 से मुकाबले को अपने नाम कर लिया। बता दें कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले लक्ष्य सेन को बैडमिंटन उन्हें विरासत में मिली है। डीके सेन अपने दौर के नामी खिलाड़ी रहे थे। डीके सेन उनके पिता हैं, वहीं दादा चंद्रलाल सेन भी आजादी के दौर में दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी रहे थे। महज 5 साल की उम्र में ही लक्ष्य पहली बार अपने पिता का हाथ थामकर बैडमिंटन कोर्ट में पहुंचे थे। उत्तराखंड में ज्यादा सुविधा ना होने के चलते पिता ने 7 साल की उम्र में लक्ष्य और उनके बड़े भाई को बेंगलुरु भेज दिया था, जहां प्रकाश पादुकोण एकेडमी में लक्ष्य की बैडमिंटन स्किल और पॉलिश हुई और आज वह भारत के लिए ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किए। वहीं बैडमिंटन में ओलंपिक इतिहास की बात करें तो इस खेल में भारत को अब तक 3 मेडल मिले हैं और ये तीनों मेडल महिला खिलाड़ियों के नाम रहा है। सबसे पहली बार लंदन ओलंपिक 2012 में साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जबकि पीवी सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीते थे। 2016 रियो ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया था और 2020 के टोक्यो ओलंपिक के फाइनल में हार कर उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।